हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक अगस्त और आप देख रहे हैं सीएसपी एकेडमी का वीडियो सीरीज। आज का हमारा यह सीरीज कैग, पीएसी, कंसोलिडेटेड फंड और सिस। हालांकि कैग के जो रिपोर्ट आए हैं, करंट रिपोर्ट है, काफी विवादास्पद है। इसमें साफ कहा गया है कि भारत सरकार ने सिस के फंड को ट्रांसफर कर दिया है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। बाबा साहब ने आरंभ में ही कहा था, ना आईएएस बड़ा, ना आईपीएस बड़ा, ना आईएफएस बड़ा। भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन? तो कैग। क्यों कहा था ऐसा? क्यों आईएएस बना नहीं? जनरली हम लोग जानते हैं, हमारे पास भी बच्चे पढ़ने आते हैं, सर मुझे आईएएस बनना। कोई ये नहीं कहता मुझे कैग बनना है। तो बाबा साहब, लेकिन कैग को सबसे बड़ा ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन है? कैग है। तो क्यों है यह कैग? तो कैग इसलिए है क्योंकि कैग जो है यह लोकसभा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है लोकसभा, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव कहां आता है? लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में होता है। धन विधेयक, मनी बिल से संबंधित सारा नियंत्रण किसके पास होता है? लोकसभा। और लोकसभा के खर्च का और आय का ऑडिट करने का काम कौन करता है? कैग करता है। देखो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जो कैग, जो लोकसभा सरकार पर नियंत्रण रखती है, मीन सरकार बनेगी किसकी? सरकार बनेगी राहुल जी की बनेगी कि मोदी जी की बनेगी, कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा। और लोकसभा के खर्च के ऑडिटिंग का काम कौन करता है? कैग करता है। इसलिए बाबा साहब कहे थे जो इंडियन गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन है? कैग है। हम लोग आज कैग के बारे में देखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कैग जो है यह ऑडिट कब करता है, थोड़ा इसको समझना है। कैग ऑडिट कब करता है, इसको एक कहानी समझिए। दो भाई बहन है, पप्पू है, पप्पी है। पप्पू जानते हैं लड़का है, हमारे सोसाइटी में लड़के को कितना इंपॉर्टेंस मिला होता है, और पप्पी लड़की है, दोनों कॉलेज में पढ़ती है। पप्पी को उसके डैडी डेली पैसा देते हैं, पॉकेट मनी, और डेली उससे सामने आती है जैसे ही कॉलेज से, तो कहां बेटा कहां कितना खर्च किया है, मेट्रो में कितना की, इतना सवाल जवाब होता है जो उसको सारा ऑडिट सेम दे देना होता है। लेकिन पप्पू, पप्पू को साल में एक बार पैसा मिल गया। पप्पू अब खर्च करना है कॉलेज में तो खर्च कर रहा है गर्लफ्रेंड पे, खर्च करना है उसको अपने ट्यूशन फी पे तो खर्च कर रहा है वह दोस्तों पे, फ्रेंड्स, और लास्ट में वह क्या करता है? अपने डैडी को रिपोर्ट कर देता है, जो मैंने यहां 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 खर्च किया है। कॉलेज फीस होता है 5,000, तो बढ़ा के देता है 10,000, और 5,000 रुपया कहां खर्च कर दिया? दोस्तों पे कर दिया। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन कैग का होता है। पप्पू से जो है सालों भर, एक साल तक उसके जो पेरेंट्स हैं, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई अमाउंट का ऑडिटिंग नहीं, वैसा ही काम कैग करता है। इसलिए इसको एक्सपोस्ट फैक्टो कहा गया। क्या है यह एक्सपोस्ट फैक्टो? जैसे 31 अप्रैल से 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच या लोकसभा के द्वारा जितना खर्च होगा, जितना इनकम होगा, जितना एक्सपेंडिचर होगा, करो तुम जितना करना है करो, कोई बात नहीं है। लेकिन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर कौन एंट्री मारेगा? धमाके से, या कैग मारेगा। और कैग फिर क्या करेगा? कैग यहां बोलेगा, अच्छा तुमको बोले थे ये करने के लिए, एजुकेशन में खर्च करने के लिए, और तुमने क्या कर दिया है? अमेरिका घूम के आए हो तुम, अच्छा ये तुम्हारा चोरी पकड़ा। तो ध्यान रखना है, यह केवल चोरी पकड़ा है, लेकिन चोरी पकड़ा है वह कब? जब चोरी हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको एक्सपोस्ट फैक्टो कहा गया है, मींस यह बीच में एंट्री, फाइनेंशियल ईयर में एंट्री नहीं किया है, यह खर्च होने के बाद एंट्री किया है। कौन? कैग। तो इंपॉर्टेंट है, कैग ऑडिटिंग का काम कर रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, लेकिन यह ऑडिटिंग का काम करता है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको भी कैग क्यों है? कैग भी एक कार्यपालिका है, और यह खर्च के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? कार्यपालिका। कार्यपालिका कहीं कार्यपालिका को कंट्रोल करे? कार्यपालिका को कंट्रोल भी है क्या करती है? इसलिए देखेंगे आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे, कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है? वह प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट फिर कहां रखता है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट फिर क्या करती है? पीएससी को, यही पीएससी है, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में जो होते हैं, कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं होते हैं उसमें, केवल मिनिस्टर ये होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, मिसवा विधायिका है, और फिर पीएससी जांच करती है। यह इंपॉर्टेंट है, यही कैग और पीएससी का रिलेशन है, इसी को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फिर संसद में डिबेट होता है, जानते ही है, डिबेट में एक दूसरे के ऊपर माइक फेंक
बाइक फेंकना, चेयर तोड़ना हाल के दिनों में भी घटना हुई है। तो कुछ इस तरह से यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी, और यही हमारा आज का टॉपिक है। आइए देखते हैं क्या के बारे में, पीएससी के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड और सेस के बारे में डिटेल्स में क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कैग, कैग जो है एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है संविधान में आर्टिकल 148 से 151 में। कैग का कंडीशन देखेंगे आप तो कैग का कंडीशन ऑटोनॉमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान किए गए हैं? सबसे पहला प्रावधान, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट हटा नहीं सकते इसको। यह अपॉइंटमेंट होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, मीन्स 6 वर्ष और अगर अपॉइंट हो गए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा होने तक वह रहेंगे ही, बीच में प्रेसिडेंट इसको हटा नहीं सकते। हटेगा कैसे भाई? तो हटता है कैसे? तो हटता है या रिमूविंग प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को, जैसे संसद हटाती है ना वैसे हटाता है। अब यहां पे बड़ा समस्या है, राष्ट्रपति कभी अपने मन से भारत में कोई काम करता है? नहीं करता है, तो किसके सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के, मीन्स माने पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो कैग की नियुक्ति भी किसके सलाह पे करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पे। और वह कैग किसका रिपोर्ट करता है? देखो कितना इंटरेस्टिंग है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का ही। वही कहते हैं जिसको लाया वही क्या कर रहा है? चोरी पकड़ रहा है। तो यहां पे यह इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिर क्या क्या करता है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 151, क्या क्या करता है? केंद्र सरकार के खाते का ऑडिटिंग करता है, खाता मींस कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, पब्लिक अकाउंट के का ऑडिटिंग करता है, और राज्य सरकार के अकाउंट का ऑडिटिंग करता है, और केंद्र के स्तर पे या किसको देता है? प्रेसिडेंट को, जैसा मैंने पहले कहा था, राष्ट्रपति को या अपना ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करता है, और राज्य के स्तर पर किसको करता है? गवर्नर को, राज्यपाल को। अगर इसके अलावा भी वह ऑडिटिंग कर सकता है, अगर केंद्र सरकार का कोई यह इकाई है, कोई यूनिट है जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 51% है, या स्टेट की भागीदारी 51% से अधिक है, या राज्य सरकार कहे जो यह क्षेत्र में ऑडिट किया जाए, या केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त कोई भी संस्था होगी और उसको, और केंद्र सरकार कहे कैग को जो आप इसका भी ऑडिट कीजिए, तो कैग उसको भी ऑडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्थानीय निकाय जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसका भी ऑडिटिंग अगर सरकार कहे तो कैग कर सकती है। तो इस तरह से यह कैग का काम है ऑडिटिंग करना, लेखांकन करना, और लेखांकन करके केंद्र पे स्तर पे प्रेसिडेंट को, और राज्य स्तर पे किसको? गवर्नर को। और फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे, संसद पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट फिर इसको पीएससी, और पीएससी फिर क्या करता है? कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। इसलिए कैग के बारे में कहा जाता है कैग जो है पीएससी का क्या है? फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है। ठीक है, तो कैग फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का काम करता है किसके लिए? पीएससी के लिए। तो अब पीएससी क्या है भाई? पीएससी क्या, कौन सा बला है? पीएससी का फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट कमिटी, हिंदी में इसको लोक लेखा समिति कहते हैं, या पार्लियामेंट्री कमिटी है, संसदीय समिति। अब संसदीय समिति क्या होता है? सॉरी समझ लो, संसदीय समिति समझना, संसद को बहुत सारा काम है। जो संसद सदस्य होते हैं हमारे, देखते होंगे कितना काम होता है, बहुत कुर्सी चेयर तोड़ना है, टेबल तोड़ना है। तो इसलिए हमारे लोकतंत्र में यह प्रावधान किया गया है, क्योंकि संसद के पास बहुत काम है, और संसद बहुत स्पेशलाइज्ड भी नहीं होते हैं, और कुछ विशेष कामों के लिए कुछ ऐसे ग्रुप को गठित किया जाए ताकि वह वर्क जो है अधिक इफेक्टिवली हो और अधिक फास्ट हो। तो वही समिति का प्रावधान, संसदीय समिति का प्रावधान है। यह दो प्रकार का होता है, कि एडहॉक कमिटी होता है जो टेंपरेरी होता है, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट होता है। हालांकि बहुत प्रकार के, तीन कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट, पब्लिक अकाउंट एस्टिमेटेड और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यह तीन कमिटी इंपॉर्टेंट है। एडहॉक कमिटी क्या होता है? सबसे पहले इसको देखो, एडहॉक कमिटी होता है या टेंपरेरी होता है, अगर कोई विशेष काम, जैसे अभी वर्तमान समय मोदी जी कह रहे हैं जो हमारा जो है पार्लियामेंट, संसद भवन जो पुराना हो गया, कभी भूकंप से गिर जाएगा। हालांकि ध्यान रखना है जो हमारा पार्लियामेंट है वह रायसीना हिल पे है, और रायसीना हिल क्षेत्र में जो है वह अरावली का एरिया है वह, और अरावली जो है वह क्या है? वह एंशियंट मोस्ट माउंटेन है, उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, लेकिन अब सरकार कह रही है एक नया न्यू इंडिया, न्यू पार्लियामेंट, और न्यू पार्लियामेंट बनाएगा कौन? उसके लिए एक कमिटी होगा, और वह कमिटी किस कैटेगरी में आएगा? एडहॉक कमिटी। पार्लियामेंट बनने के साथ ही वह कमिटी खत्म, टेम्पररी कमिटी। तो कुछ इस तरह के कंटेम्पररी मुद्दे पे जब कमिटी बनता है तो वह क्या होता है? एडहॉक कमिटी। परमानेंट कमिटी है बहुत सारे, लेकिन इसमें तीन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेटेड कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और पब्लिक अकाउंट कमिटी लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का ही दोस्त है, फ्रेंड है, गाइड है, फिलोसफर है, दोस्त है। दोस्त मीन्स महिला मित्र नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, यह रियल फ्रेंड है, सही दिशा देने वाला फ्रेंड, ना कि
गलत मिसडायरेक्शन गलत डायरेक्शन में भेजने वाला फ्रेंड, ठीक है ना, समझिएगा। तो यह कौन सा है, यह फ्रेंड है, रियल फ्रेंड है, कौन किसका, पीएससी का। अब थोड़ा पीएससी को भी समझ लो, यह पार्लियामेंट्री कमिटी, ध्यान रखना पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समिति, या तो ज्वाइंट हो सकते हैं, ज्वाइंट कहने का सेंस है इसमें लोकसभा के भी सदस्य हो और राज्यसभा के भी हो, या फिर केवल लोकसभा का सदस्य हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है। यह जो है पीएससी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, 15 लोकसभा का 7 राज्यसभा का सदस्य होता है, टोटल नंबर मेंबर्स कितने होते, 22 होते, एक साल के लिए इसका चुनाव होता है। अब इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अपोजिशन के लीडर होते हैं, पहले होता था रूलिंग पार्टी लेकिन अपोजिशन के लीडर इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है, अब यह पीएससी क्या करता है, लोक लेखा समिति, इसका काम ही है लोक पब्लिक अकाउंट की जांच करना, और यह क्या क्या करता है, यह भी वही काम करता है, इसलिए यह क्या कहलाता है, इसका फ्रेंड कहलाता है। फ्रेंड कहने के पीछे रीजन समझे, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और दोनों को रिजल्ट लेना है, इसलिए दोनों फ्रेंड है, ना कि एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला, एक होटल में रेस्टोरेंट में मस्ती करने वाला, ठीक है। तो वह तो यह कुछ ऐसे रिलेशन है। अब इंपॉर्टेंट है जो यह कैग के रिपोर्ट को क्या करता है, पीएससी, पीएससी जांच करता है और फिर पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस कराता है और फिर उस पर क्या होता है, चर्चा होती है, जो कि हमारे डेमोक्रेसी का पार्ट। अब ये तो कैग और पीएससी का रिलेशन, अब इंसिडेंट क्या है जिसको लेकर के यह वीडियो हमारा है। हाल के दिनों में कैग का रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया भारत सरकार ने बहुत सारा सेस कलेक्ट किया, और सेस क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसको जिस पर्पस के लिए कलेक्ट किया, सरकार जिस पर्पस के लिए ली उसमें ना खर्च करके कहीं और कर दी, वही वाली बात होगी पप्पू वाली बात, पैसा मिला कोचिंग फीस भरने के लिए और कर चला गया कहां, कनॉट प्लेस घूमने के लिए, किसके साथ, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है यह सेस, क्या है। सबसे पहले सेस की विशेषता क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस, सेस की विशेषता क्या है, टैक्स की, टैक्स का डेफिनेशन होता है, टैक्स इज एन एसेंशियल पेमेंट व्हिच इज पेड बाय इंडिविजुअल्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कर एक अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी आकांक्षा के किसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन सेस में क्या, सेस क्या है, सेस टैक्स ऑन टैक्स है, जो कर लगाया गया है चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, आयकर हो या मार्केट पर लगने वाला कर हो, अगर सेस लगा है तो वह क्या होगा, वह कर के ऊपर कर होगा, अभी कैलकुलेट करके बताते हैं कैसे है वह। दूसरा क्या होगा, सेम रेट फॉर एवरीवन, सबके ऊपर एक समान कर, जैसे इनकम टैक्स हमारे अलग अलग स्लैब होते हैं ना, लेकिन यहां पे कोई स्लैब नहीं होता है, राम को भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, मोहन को भी उतना ही, अली को भी उतना ही, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेस से पैसा आता है उसका सरकार स्पेसिफिक पर्पस में यूज कर दिया, यही गड़बड़ कर दिया, यही घोटाला है, मोदी जी का घोटाला यही है। और इसने सरकार ने एजुकेशन सेस कलेक्ट किया 3%, 1% प्राइमरी एजुकेशन पे, 2% हायर एजुकेशन पे, और सरकार उस पैसे को क्या कर दी, कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया, और वहां से फिर हाउडी मोदी कार्यक्रम याद आ रहा होगा। तो वह है, फिर है स्टेट डू नॉट गेट एनी पार्ट, यह भी है, सेस से जो केंद्र सरकार पैसा कलेक्ट करती है वह राज्य के साथ शेयर नहीं करती, ये सब कुछ सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेस, पहला क्या है, लेवी ऑन टैक्स, यू कैन से टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर लगने वाला यह कर है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेम रेट फॉर एवरीवन, सबके ऊपर एक समान। तीसरा, द अमाउंट यूज फॉर ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, एक विशेष कार्य के लिए इसका यूज होगा। थर्ड वन क्या है, स्टेट्स डोंट गेट एनी पार्ट, स्टेट्स के साथ इसका कोई शेयरिंग नहीं होगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब सेस का कैलकुलेशन कैसे होता था इसको भी समझ लीजिए। तो सेस का कैलकुलेशन होता है, जैसे 1,00,000 किसी का इनकम है, 10% टैक्स है, मेन टैक्स है, और 3% सेस है, तो 10% हो गया 10,000, और 10,000 का 3% टैक्स ऑन टैक्स का अर्थ यही हुआ, 10,000 का 3% इज इक्वल टू 300, तो टोटल टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल्स ए पर्सन इज 10,300, 300 जो है यह सेस के फॉर्म में है, जो अलग फंड में जाएगा, और 10,000 कहां जाएगा, यह कंसोलिडेटेड फंड में, एक नया फंड आ गया, संचित निधि, यह क्या है, तो इसके बारे में डिटेल्स में एक ही वीडियो में सब नहीं देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट में, स्ट्रक्चर ऑफ बजट डिफाइंड एज कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिंजेंसी फंड, देयर आर 2 आर्टिकल रिलेटेड विथ दोस फंड, वन इज 2661 266(1), जिसका संबंध किससे है, संचित निधि से है, 266(2) लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट से है, और 267 जिसका संबंध किससे, आकस्मिक निधि से है। कंसोलिडेटेड फंड को एक लाइन में अगर समझते हैं, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सभी प्रकार के आय और व्यय
का संबंध कहां से है? कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से है। अब सरकार क्या की है देखिएगा, यही कैग के रिपोर्ट में आया, काफी चर्चा में, दो दिन पहले भी एडिटोरियल आया इस पे हिंदू में। यह जो शेष आया है, शेष कलेक्ट किया गवर्नमेंट, और शेष को यह स्पेसिफिक पर्पस है, मैंने लिख रखा है यहां पे, यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एजुकेशन शेष है, 1% कहां जाएगा वह प्राइमरी एजुकेशन पे, और 2% कहां जाएगा वह हायर एजुकेशन पे। लेकिन सरकार यहां पे खर्च ना करके इसको अपने इनकम के रूप में क्या कर ली है, कंसोलिडेटेड फंड में, संचित निधि में जमा कर दी है। तो देख ही रहे हमारे यहां एजुकेशन का क्या हाल है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया है। तो सरकार को फुर्सत नहीं है किससे, टेम्पल मंदिर और मस्जिद से। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह सेस का पैसा कहां चला गया, कंसोलिडेटेड फंड में चला गया है, यह डाइवर्टेड जीएसटी, और इसी तरह से जीएसटी पे सेस लगा था, और जीएसटी पे सेस लगने का रीजन क्या था, जो सेस का अमाउंट होगा वह कहां जाएगा, अगर जीएसटी आप लोग पढ़े होंगे तो सेस का अमाउंट जाएगा जीएसटी फंड में, और उस जीएसटी फंड से वैसे राज्यों को पैसा दिया जाएगा जिस राज्य को जीएसटी के कारण क्षति हो रहा है, जिस राज्य को जीएसटी के कारण टैक्स लॉस हो रहा है, तो वैसे राज्यों को उससे पे किया जाएगा। तो सरकार क्या कर दी है, वही जीएसटी के सेस को भी अपने संचित निधि में डाल दी है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम कहोगे सरकार खर्च तो नहीं किया कहीं, यहां से लेकर वहीं डाली है ना, तो सेस का अर्थ ही है स्पेसिफिक पर्पस, तो गलत काम है। तुमको दिए हम कोचिंग में फीस डालने के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स दिए तुमको कोचिंग में फीस डालने के लिए, तुम क्या कर दिए उसका सोशल सर्विस कर दिए, तो सोशल सर्विस कर दिए तो तुम बताओगे ना, सोशल सर्विस के लिए तुम्हारे पास अलग अमाउंट था, काम किए सही लेकिन अलग अमाउंट था, तुम्हारा कोचिंग का फीस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। या तुमने क्या किया, बाइक खरीद लिया, बाइक खरीद लिया तो और गलत किया, और अगर खर्च कर दिए कहीं दोस्तों पे तो वह और भी गलत है। तो जिस पर्पस के लिए आपको पैसा मिलेगा वही करना है ना। तो सरकार यहां पर क्या किया, संचित निधि में डाल दिया। तो संचित निधि में डालने का कारण क्या है, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, संचित निधि में क्यों सरकार डाली है। तो इसके पीछे है FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के टारगेट को पूरा करना। अब यह FRBM क्या है, FRBM का फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम, जिसका उद्देश्य ही है रेवेन्यू डेफिसिट RD को 0% करना और टोटल फिस्कल डेफिसिट को कितना करना, 3% करना, राजकोषीय घाटे को कितना करना 2021 तक 3% करना, और उसमें राजस्व घाटे को कितना करना 0%, केवल पूंजीगत घाटे को रखना 3%। अब ये राजस्व घाटा क्या होता है सर, पूंजीगत घाटा क्या होता है, इसको समझना होगा, इसके लिए मैंने बोला ना एक वीडियो अलग से लाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में शब्द राजस्व घाटा हुआ घाटा है, हम कमा अधिक रहे हैं और कमा कम रहे हैं और खर्च अधिक कर रहे हैं, और अधिक खर्च करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, क्या यह अच्छा घाटा है। तो सरकार यही 0%, लेकिन अच्छा घाटा नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है जो हम अपना खर्च को कम करने के चक्कर में जो हम अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, हम अपने पेरेंट्स को हेल्प ना करें, इसका अर्थ यह कहीं नहीं है। जो खर्च कंट्रोल करने में हम अपने खर्च को ना कंट्रोल करके हम अपने पेरेंट्स को और अपने अगले जनरेशन के फ्यूचर के साथ खेलें, तो सरकार यही पे यही कर रही है। जो शेष का पैसा आया सरकार खर्च कंट्रोल करने के चक्कर में कंसोलिडेटेड फंड में डाल दी, लेकिन एजुकेशन में खर्चे नहीं कर रही है, एजुकेशन पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्च होना चाहिए था उतना खर्च नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम पे सेस है, तो पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अपग्रेडेशन के लिए खर्च होना चाहिए था वह कर नहीं रही सरकार, और वह कहां डाल दिए, कंसोलिडेटेड फंड में, मींस अपने FRBM के टारगेट को पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो यह कुछ डाइवर्टेड जीएसटी सेस था, और उसको लेकर के काफी आलोचना, हालांकि प्रिंट मीडिया इसको लेकर काफी ये रहता है, हमेशा एडिटोरियल आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो देखेंगे नहीं, काहे कि बात समझ रहे हैं क्यों रीजन है उसके पीछे, बहुत बड़ा कारण है, वहां पे दो ही तीन चीज दिखता है। तो यह आपके क्या है, सेंट्रल डाइवर्टेड जीएसटी का टोटल वीडियो है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है, हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट और कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड जल्द सुनाई आपको हम डालेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।